हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आज हम लेज़र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और लेज़र जो होता है वो लाइट का इंटेंस बीम होता है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ कोहेरेंट। कोहेरेंट कहने का मतलब इसके जितने भी वेव होंगे वो सभी के सभी एक ही फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। सेकंड, इट इज़ परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक। कहने का मतलब है लेज़र बीम एक ही तरह के फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशंस का बना होगा। एंड द थर्ड इज़, इट इज़ वेल कॉलीमेटेड। मतलब इसके सभी के सभी रेज, यानी कि लेज़र बीम में पाए जाने वाले सभी के सभी रेज परफेक्टली पैरेलल होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी लाइट में नहीं पाया जाता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक जो है सिर्फ और सिर्फ लेज़र बीम में ही पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेज़र की। प्रिंसिपल ऑफ लेज़र में पहला है एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या कहता है इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, लेज़र बीम का प्रोडक्शन एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन से होता है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो होते हैं उनका प्रोडक्शन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन से होता है। एटम्स के इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। हायर एनर्जी में जाने के बाद वो स्पॉन्टेनियसली अपनी एनर्जी को जो उन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा है, यहाँ से इस लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो भी एनर्जी उन्होंने रिसीव कर रखा है, या फिर यूँ कहें कि उनको लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो उन्होंने थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के माध्यम से ले रखा है, उसको वो रिलीज़ कर देते हैं और नीचे लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। और इस तरह से जो इमिशन होता है, यानी कि जो रेडिएशन का इमिशन होता है, जो एनर्जी का इमिशन होता है, उसको हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। ये था स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब हम जानेंगे एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। तो अभी हमने देखा स्पॉन्टेनियस इमिशन, और हमने देखा कि जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि एटम जो है एक्साइटेड हो चुका है, एटम एक्साइटेड स्टेट में है। तो देखिए, उन सभी एटम्स के ऊपर, एक्साइटेड एटम्स के ऊपर जब फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, कौन से फोटॉन, किस तरह के फोटॉन, तो वो फोटॉन का एनर्जी भी उतना ही होना चाहिए जितना कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। तो वैसे फोटॉन्स जब एटम्स पर इंसिडेंट होते हैं जो कि एटम एक्साइटेड हैं, तो वहाँ से आइडेंटिकल फोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से एक सिंगल फोटॉन दो फोटॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्साइटेड एटम पर जब फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो बहुत सारे फोटॉन का जेनरेशन हो रहा है, बहुत सारे फोटॉन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस फेनोमेना को ही हम कहते हैं एस्टिमुलेटेड इमिशन। और इस फेनोमेना की वजह से लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो यही फर्क था स्पॉन्टेनियस इमिशन और एस्टिमुलेटेड इमिशन में। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेट इज पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो चलो अब हम पॉपुलेशन इन्वर्सन के बारे में समझते हैं।
तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन के बारे में। लाइट के एम्प्लीफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट यानी कि अप हायर लेवल में होनी चाहिए, और इसी कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्सन कहते हैं। हम जानते हैं एनर्जी लेवल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज स्टेबल स्टेट, सेकंड इज अनस्टेबल स्टेट एंड थर्ड वन इज मेटा स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इनडेफिनेट टाइम के लिए रह सकता है जब तक कि उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड से उसको एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी दे करके एक्साइटेड स्टेट में ना लाया जाए, तो इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इनडेफिनिट टाइम के लिए होंगे, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे, इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए जो एटम्स होंगे इसमें स्टे करेंगे। सेकंड है अनस्टेबल स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10^-9 सेकेंड के लिए स्टे करेंगे, और जो थर्ड वन है मेटा स्टेबल स्टेट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 10^-3 सेकेंड के लिए स्टे करेंगे। तो अब तक हमने समझा स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या है, और किस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने देर के लिए स्टे करेगा। ओके, और अब हम समझते हैं कि हम लेज़र बीम को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ लेज़र बीम। अब हम समझते हैं कि लेज़र बीम को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो देखो, मान लो कि कोई भी लेज़र मटेरियल एक्स वाई जेड आपके पास है, तो आप जानते हैं ना कि वो मटेरियल भी एटम्स का ही बना हुआ होगा। तो उस लेज़र मटेरियल का जो ग्राउंड एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है वो E1 है, और मेटा स्टेबल स्टेट E2 है, जो कि अनस्टेबल स्टेट E3 के पास है। ओके, हमने क्या किया कि इस एटम के इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, और जब एटम्स अनस्टेबल स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो वहां पर हमने उस पर फोटॉन्स इंसिडेंट कर दिया, यानी कि बम्बार्डमेंट ऑफ फोटॉन्स हमने कर दिया, और वो उन फोटॉन्स का एनर्जी कितना होगा, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है उतना एनर्जी। और यहाँ से क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनस्टेबल स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में आएंगे, और जब वो यहाँ आएंगे फिर वहाँ यहाँ से वो अपने एनर्जी को रिलीज करके एनर्जी को छोड़ करके यहाँ से मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होंगे, और इस माध्यम से इस प्रोसेस से जो है यहाँ से बहुत सारे फोटॉन्स यानी कि एनर्जी रिलीज होगा, और जो कि हमें लेज़र देगा, लेज़र का इंटेंस बीम देगा, यानी कि इंटेंस बीम ऑफ लेज़र इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन E and E2। और हाँ, ये जो फोटॉन्स होंगे उसका फ्रीक्वेंसी हम कितना रखेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी होगा E3-E1/4 इतना के। इस तरह से हम लेज़र बीम प्रोड्यूस करते हैं, और इस टॉपिक्स का जो कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया लेज़र, इसका कंप्लीट नोट आप मेरे वेबसाइट infinityedupoint.com से लिख सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू फॉर कंप्लीट नोट ऑन लेज़र यू मस्ट विजिट माय वेबसाइट infinityedupoint.com। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में मैं डिस्कस करूँगा हीलियम नियन लेज़र। ओके, थैंक यू।